अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का बिज़नेस आइडिया समझ लें कि दुनिया की कोई ऐसी प्लास्टिक फॉर्म में इस्तेमाल होने वाली चीज़ या प्रोडक्ट जो सिर्फ आप इस एक मशीन से बना सकते हैं। और दोस्तों, भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, असल मोटा माल बनाने और छापने के बाद असल मज़ा तो तब है ना कि दूध से खोया भी निकाल कर खा लें और आखिर में दूध भी बच जाए। मतलब इस बिज़नेस में माल तैयार होने के बाद जो वेस्ट होगी वो भी दोबारा क्रश करके फिर माल बना सकें। आज के इस बिज़नेस आइडिया में जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन से आप प्लास्टिक के बर्तन, कुर्सियां, प्लम्बर लाइन की तमाम प्रोडक्ट्स, एल्बो सॉकेट, टी, हैंडल वॉल, बैंड। बात भाई ख़त्म नहीं हुई, अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की तरफ। मतलब इस फील्ड की तमाम आइटम्स मैं आप लोगों को बताते बताते थक जाऊंगा कि आप इस एक मशीन से क्या कुछ बना सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए सरमाया भी आप लोगों को सिर्फ एक बार लगाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तानियों सिर्फ बनाते जाओ और बेचते जाओ। मतलब जैसे मैं चीजें गिनवाते गिनवाते थक गया हूँ, वैसे आप बनाते बनाते थक जाओगे और माल समेटते समेटते भी। नाजरीन, इस बिजनेस को करने के लिए मशीनरी कहाँ से और कितने की मिलेगी, बिजली का कनेक्शन कौन सा चाहिए होगा, बंदे कितने दरकार होंगे, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है। इंतहाई सस्ता रॉ मटेरियल पाकिस्तान से किन किन शहरों से आप खरीद सकते हैं, जहां इतने फ़ायदे हैं तो नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन नाजरीन आप लोगों को आज इसी वीडियो में बताएंगे। देखो पाकिस्तान बिजनेस इन्फॉर्मेशन में और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख के बिजनेस आइडिया ले सकते हैं। तो आइए नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि देखो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाजरीन, इस वक्त जो स्क्रीन पर आप मशीन देख रहे हैं, इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। और इस मशीन से आप दुनिया की घरेलू लेवल की किसी भी कंपनी की, किसी भी मार्केट की, वो तमाम प्रोडक्ट्स आप सिर्फ इस एक मशीन से तैयार कर सकते हैं। तैयार करने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में आप फरोख्त कर सकते हैं, बल्कि चाइना की तरह आप बाहर के मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि अभी इस मशीन से प्लम्बर लाइन की जो सी सॉकेट्स, हैंडल, टी वॉल्स, बैंड वगैरह इस मशीन में तैयार किए जा रहे हैं। और नाजरीन, इसी तरह अगर आपको कोई और प्रोडक्ट तैयार करनी है तो सिर्फ आप इस मशीन की डाई चेंज करेंगे और हर तरह की प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए नाजरीन आप लोगों को 3 फेज कनेक्शन चाहिए होगा और 50 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, जिसको लगवाने का खर्चा कम से कम 6 लाख रुपए है। और जिस जगह पर आप इस मशीन को इंस्टॉल करेंगे वो कम से कम 10 मरले से लेकर 1 कनाल की जगह आपको दरकार होगी। और लेबर के तौर पर आप लोगों को कम से कम 2 या 3 बंदे दरकार होंगे जो कि दाना डालेंगे मशीन से, और एक हेल्पर चाहिए होगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों को इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक कारीगर चाहिए होगा। और नाजरीन, आप लोगों से एक अहम बात शेयर करते चले, माल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मार्केट में माल सेल करना भी कोई किसी किस्म का मुश्किल काम नहीं है। असल माल लोगों को ट्रांसफर करने के बाद जो सी पेमेंट रिसीव करनी होती है वो इशू होता है। अगर आप मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो आपका सारा तैयार किया हुआ माल उठा लेंगे और मार्केट में ऑलरेडी उनके सेटअप बने होते हैं, होलसेल पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे बैठकर वो माल बेचते हैं। इसलिए वो अगर आपसे माल बनवाते हैं तो आपको एडवांस में पैसा भी दे देंगे माल तैयार करवाने के लिए। इसमें आप लोगों को किसी किस्म का नुकसान फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को या सेल्समैन हायर करके मार्केट में माल खुद बना के अपना सरमाया लगा के सेल कर रहे हैं तो इसमें ये होगा कि लोग आपका माल उठा लेंगे, लेकिन आप लोगों की पेमेंट का एक शेड्यूल रख लेंगे कि एक टर्न हम नीचे रखेंगे, दूसरा माल दूसरी टर्न आएगा तो आपको उसकी पेमेंट कर देंगे पहले वाले की। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, इस तरह आप 2 ही माह में अपना बिस्तरा गोल करके घर चले जाएंगे, इसमें आपको नुकसान ही होगा। मुनाफा के हवाले से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी सेटअप्स मार्केट में काम कर रहे हैं वो शिफ्टों में काम करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आप मुसलसल इसी तरह काम करते हैं तो जितना सरमाया आप शुरू में लगाएंगे इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो कम से कम आप 3 से 4 माह में ही अपना सारा अखराजात निकाल के माल पूरा कर चुके होंगे। उसके बाद जोन से भी आप माल बनाएंगे वो आपका प्रॉफिट ही होगा। रॉ मटेरियल के हवाले से अगर बात करें तो गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, ये 4 शहरों से आप लोगों को माल सस्ता मिलेगा। इससे भी अगर आप सस्ता परचेज करना चाहते हैं तो कराची की मार्केट को टच करें, वहाँ पे दाना अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा, लो क्वालिटी का भी मिल जाएगा। जिस तरह की प्रोडक्ट आप बनाएंगे या जिस तरह का ऑर्डर आपको मार्केट से मिलेगा आप उस तरह का रॉ मटेरियल लेकर उनकी प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं। मशीनरी की बात करें तो आप लोगों को 2 तरह की मशीनें चाहिए होंगी, एक ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन और दूसरे नंबर पे क्रशिंग मशीन। क्रशिंग मशीन इसलिए चाहिए होगी, जोन से भी आप माल तैयार करने के बाद जो वेस्ट बच जाएगी वो आप बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप इसको दोबारा क्रश करके दाना बना लेंगे और दोबारा माल प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। क्रशर मशीन आप लोगों को कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए की मिलेगी और जोन सी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है ये आप लोगों को 12 लाख रुपए की मिलेगी। ट्रांसफार्मर लगा के तकरीबन आप लोगों का 18 लाख रुपया खर्चा आएगा। और इस बिजनेस को करने के लिए टोटल सरमाया अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो महाना आप कम अज कम इस बिजनेस से 10 से 12 लाख रुपए गारंटेड कमाएंगे, क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल का बिजनेस है। जो भी माल आप बनाएंगे क्वांटिटी में आप लोगों का माल उठेगा। इस बिजनेस के हवाले से किसी किस्म का सवाल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। और नाज़रीन एक बात आप लोगों से और शेयर करते चलें कि जो लोग किसी तरह की भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीनरी की, पैकिंग मशीन्स की या इस तरह की कोई जो सेटअप चला रहे हैं, अगर वो अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो इस वक्त जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह आपके बिजनेस को भी हम प्रमोट करेंगे, बहुत सी अच्छी सी स्पेसिफिकेशन डिटेल के साथ बता के एक अच्छी सी प्रोमो बना के आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये बिजनेस आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के साथ अपना मरूफ को इजाज़त दें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन कंटेंट अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा हकीकत पर मबनी स्टोरीज, बिजनेस, फार्मिंग, इंटरव्यूज से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल देखो पाकिस्तान।